السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على محمد واله محمد واصحابه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم। आप इस चैनल पर ख्वाबों की हकीकी ताबीरात के बारे में जानते हैं और साथ साथ कुरानी वज़ाइफ, रूहानी वज़ाइफ और बुरे ख्वाब के इलाजात के वगैरह में जानते हैं। मैं आज आपको ख्वाब में पानी का घर देखना कैसा, इसकी कुछ ताबीरात बताऊंगा। तो आइए ख्वाब में पानी का घर देखना कैसा, इसकी कुछ ताबीरात सुनते हैं। हज़रत सैयदना इब्ने सरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसने ख्वाब में पानी का घर बनाया है तो दलील है कि दुनिया के माल से ज़्यादा रग़बत करने वाला होगा, रागिब होगा, दुनिया के माल में हरीस होगा और ऐसा हरीस होगा कि अपनी ज़ात या किसी की ज़ात पर भी कोई पैसा खर्च करने का कायल नहीं होगा। और बाज़ अहले तबीर कहते हैं कि इसको बदकार, हरामखोर और बदनीयत औरत मिलेगी जिससे ये शादी करेगा, लेकिन शादी के बाद इसको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। हजरत सैयदना इब्ने सरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसने ख्वाब में पानी का घर बनाया, उस घर में उसने अंदर गया, उस घर में उसने वाशरूम बनाया और जाके वाशरूम में कज़ाए हाजत की, तो आप फरमाते हैं कि ये इस बात पर दलील है कि वो दुनिया में बहुत सारा माल जमा करेगा और उस माल का उसको कोई फायदा नहीं होगा। हज़रत सैयदना इब्ने सरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर वो ख्वाब के अंदर देखे कि उसने पानी का घर बनाया और अंदर जाते ही उस पानी के घर में वो गिर गया, या उसने पानी का घर बनाया था, उस घर के अंदर उसने एक कुआं या गड़ा वगैरह बनाया था तो उस गड़े या कुएं में गिर गया, तो दलील है कि ये माल जमा करते करते उसी माल जमा करने की गर्ज में गर्क होएगा। हज़रत सैयदना इब्ने सरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर वो ख्वाब के अंदर देखे उसने पानी का घर बनाया है और उस घर में बहुत सारे बंदों को इसने जमा किया है, तो दलील है जितने बंदों को जमा किया है उतने बंदों का ये माल छीनेगा और उनको कोई ना कोई, अगर माल नहीं छीनेगा तो उनको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। हज़रत सैयदना इब्ने सरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसने पानी का घर बनाया और पानी के घर में उसको किसी ने धक्का दिया, धक्का देने से वो गिरा है और गिरते ही उसके हाथ पाँव वगैरह टूट गए हैं, तो दलील है कि किसी ऐसी वबा या बला या मुसीबत में गिरफ्तार होगा जिसका कोई सिद्दबाब नहीं होगा। तो यदि ख्वाब में पानी का घर देखने की कुछ ताबीरात, अगर आपने इस तरह का कोई ख्वाब देखा है और आप चाहते हैं कि मैं इसकी ताबीर जानूं, तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर वॉइस मैसेज व्हाट्सअप करिएगा, वक्त मिलने पर मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही मुहम्मद व असहाबिही मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।